कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक इंडिया गठबंधन बना है। वो इंडिया गठबंधन मतलब भानुमती का कुनबा है। कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐतिहासिक तौर पर 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ रही है वेस्ट बंगाल में, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। इंडिया गठबंधन एक बिखरा हुआ गठबंधन है, सिर्फ नाम का, और एक किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, और एक जो संकल्प उन्होंने लिया, उस संकल्प को तोड़ना, उस सपने को तोड़ना है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक इंडिया गठबंधन बना है। वो इंडिया गठबंधन मतलब भानुमती का कुनबा है। उसमें इनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जैसा मामला नहीं। उस पर मैं विस्तार से आगे बताता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होने वाला है, फिलहाल क्या स्थिति, उसको समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐतिहासिक तौर पर 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का नतीजा यह है कि पिछले दो चुनाव से इनके पास जो वोटिंग का जो स्ट्राइक रेट रहा है, जीतने का जो स्ट्राइक रेट रहा है, वो 8% रहा है। इस पर अगर 10% भी हो गया स्ट्राइक रेट, तो भी 30 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। मेरे हिसाब से 25 और 30 के बीच में कहीं कांग्रेस पार्टी रुक सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पूरे इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए लालायित है, उसका कोई उपयोग नहीं है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही दावा किया है कि क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत इनको मिल ही नहीं सकती। हाँ, वो लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे आपको सावधान होना पड़ेगा। इंडिया अलायंस की दुर्गति ये है कि महाराष्ट्र में अभी तक शिवसेना UBT जो है, उबाठा, कांग्रेस और NCP के बीच जो एक सामंजस्य होना चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रहा है। सांगली और भिवंडी तो सामने से है, मुंबई में भी माहौल बहुत खराब है, और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें तो इनके कार्यकर्ताओं के बीच कोई मनोमिलन नहीं है, और इसकी वजह से एक दूसरे को हराने में सब लगे हुए हैं। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी नेता थी, नेता कन के निकल के आई थी। मैंने खुद जब इंडिया अलायंस का कॉन्क्लेव यहाँ हुआ था तो उनको रिसीव किया था मैंने मुंबई के एयरपोर्ट पर। आज ममता बनर्जी जो चुनाव लड़ रही है वेस्ट बंगाल में, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी दिल्ली में तो अलायंस करती है, पंजाब में अलायंस नहीं है, और एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में भेजे जाते हैं तो दिल्ली के नेताओं ने उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की, जबकि पंजाब के नेताओं ने उसके ऊपर मिठाइयां बांटी है। तो ये इंडिया अलायंस के दो प्रमुख पार्टियों के गठबंधन का हाल है। आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लेफ्ट पार्टियां। कांग्रेस के ऊपर वैसे भी लेफ्ट पार्टियों के प्रति का जबरदस्त प्रभाव है, और उनके मन में लेफ्ट विचारधारा को लेकर जबरदस्त प्रेम रहता है। लेकिन दुर्गति ये है कि पता नहीं पश्चिम बंगाल में इनका अलायंस हुआ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन केरला में, पूरे देश में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मंच साझा करती है, लेकिन केरल में इस समय लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। यही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर एनी राजा जो CPI की लीडर हैं, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो इनका पूरा इंडिया गठबंधन एक बिखरा हुआ गठबंधन है, सिर्फ नाम का, और एक किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, और एक जो संकल्प उन्होंने लिया, उस संकल्प को तोड़ना, उस सपने को तोड़ना है, इसके लिए ये सब जमा हुए हैं। तो ऐसे जो इनकी जो जमघट है, इस जमघट के प्रभाव में और इसके दबाव में मत आइए, और अपना वोट कतई कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मत दीजिएगा।